Assalam-o-Alaikum, my name is Dr Hamda Saqib and today we will be discussing lecture number 20 of biochemistry and genetics 2 In the previous lecture we discussed about Mendelian's law of inheritance and the law of segregation in today's lecture we will be discussing the Mendel's law of independent assortment what is a dihybrid cross and we'll discuss genetics and disputed paternity We discussed in very detail the Mendelian genetics

टुगेदर, इट इज़ नॉट सो कि जो लंबे कद के लोग होंगे उनकी ब्लू आइज़ होंगी और जो छोटे कद के लोग होंगे उनकी ब्लैक आइज़ आएंगी वो कहते हैं ऐसे नहीं होता कि एक ट्रेड के जो अलील्ज होते हैं मतलब कि हाइट के जो जीन्स होते हैं वो अनदर ट्रेड के अलील मतलब आई कलर के जो जीन्स है उसे इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं मतलब लम्बे कद के आदमी का भी ब्लैक आइज़ हो सकती हैं और छोटे कद के आदमी की शॉर्ट हाइट की भी ब्लू आइज हो सकती हैं सो so, एक ट्रेड के जो जीन्स हैं वो दूसरे ट्रेड के जीन से अलहद अलीहदा एग्जिस्ट करते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं ट्रेड्स आर इहेरिटली इनहेरिट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन एंड अदर मतलब कि जो ट्रेड्स जो इनहेरिट होते हैं वो इंडिपेंडेंट इनहेरिट हो रहे होते हैं जो डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं आपके अंदर मतलब कि आई कलर आपके अंदर इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होगा उसका उसके साथ किसी स्पेसिफिक हाइट के अलील के होने की जरूरत नहीं है वो ए, वो हाइट का जो जीन है वो अलहदा से आप में इनहेरिट होगा ठीक है सिमिलरली योर स्किन कलर योर हेयर कलर एंड सो ऑन डिफरेंट दैट यू हैव द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट इज रिवील्ड बाई ट्रैकिंग टू करेक्टरिस्टिक्स एट वन टाइम तो तो मैंडल ने किस तरह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट को बताया उसने इस तरह बताया कि उसने दो जो करेक्टरिस्टिक्स थी उनको ट्रैक किया किस तरह वो हम डिस्कस करेंगे बाय लुकिंग एट द टू करेक्टरिस्टिक्स एट वन मेंडल ट्राई टू डिटरमिन हाउ टू करेक्टरिस्टिक्स वर इनहेरिटेड मतलब कि उसने एक टाइम पे दो करेक्टर नोट किए किसी भी एक प्लांट में फॉर एग्जांपल एक जो प्लांट था पी प्लांट मटर का जो प्लांट था उसके जो थे जो सीड्स थे वो राउंडेड थे और येलो थे एक प्लांट के और जो दूसरे प्लांट के जो सीड्स थे वो रिंकल्ड थे और वो ग्रीन थे तो बेसिकली अगर एक प्लांट को देखा जाए तो उसके अंदर एक जो सीड का जो राउंडनेस है वो एक अलहदा करैक्टर है मतलब कि जो सीड की शेप है वो एक अलहदा करेक्टर है और जो सीड का कलर है वो एक अलहदा करैक्टर है ठीक हो गया राउंड और रिंकली इज द सीड शेप ग्रीन और येलो इज़ द सीड कलर वुड एफ वन प्लांट्स ट्रांसमिट द अलील पेयर्स फ्रॉम द पेरेंट्स एज इंटैक्ट यूनिट्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक प्लांट जहन में रखा जिसके सीड्स येलो और राउंड थे और दूसरे प्लांट के जो सीड्स थे वो रिंकली और ग्रीन थे तो उसने कहा कि जब हमने इन दो ट्रू ब्रीड्स को आपस में जब हम करवाएंगे इनकी फ़र्टिलाइजेशन जो कि अब हम देखेंगे भी तो उसके नतीजे में जो हमारे पास एफ़ वन प्लांट बनेगा उसके जो सीड्स होंगे वो भी राउंड और येलो होंगे क्यों क्योंकि जब हमने टू ट्रू ब्रीड्स को आपस में फ़र्टिलाइज़ करवाया राउंड येलो सीड्स जो कि डोमिनेंट ट्रेट है उसको हमने फर्टिलाइज़ करवाया ग्रीन और रिंकली सीड्स वाले प्लांट के साथ जो कि रिसेसिव ट्रेट है इसके नतीजे में जो एफ़ वन जनरेशन पैदा होगी वो भी राउंड और येलो होगी फिर इस जब एफ़ वन की आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाओगे तो उसके नतीजे में क्या सिर्फ़ राउंड येलो सीड्स वाले और ग्रीन रिंकली सीड वाले प्लांट्स भी बन सकते हैं या राउंड ग्रीन भी बन सकते हैं और रिंकली येलो भी बन सकते हैं ठीक है मतलब कि ये भी तो एक हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि जो पेरेंट्स थे वो राउंड येलो थे और दूसरा पेरेंट था रिंकली ग्रीन लेकिन एफ़ वन की फ़र्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या राउंड ग्रीन और रिंकली येलो भी बन सकते हैं नहीं बिकॉज़ तो ये एक इंडिपेंडेंट ट्रेड्स हैं सीड कलर और सीड शेप सेपरेट हैं बेसिकली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यही मैंडल ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि राउंड येलो सीड्स एक इंटैक्ट यूनिट के तौर पे पहले पढ़ा गया कि जो सीड येलो होगा वो राउंड होगा और जो सीड ग्रीन होगा वो रिंकली होगा तो उनमें क्या कहा गया दो करेक्टर्स को आपस में जो जोड़ दिया कि येलो अगर होगा तो राउंड होगा ग्रीन होगा तो रिंकली होगा लेकिन मैंडल ने ही कहा कि जो दो ट्रेड्स हैं सीड शेप विच इज़ द राउंड और रिंकली एंड द सीड कर्व विच इज अ ग्रीन और येलो ये सेपरेट है तो राउंड ग्रीन भी हो सकते हैं और रिंगली येलो भी तो हो सकते हैं ना बिकॉज सेपरेट रेड्स को आप जिस मर्जी असॉर्टमेंट पर मिला लो आपस में तो ये वो उसने बताने की कोशिश की है और वुड द अलीज ऑफ कलर एंड शेप जीन्स भी पासड ऑन सेपरेटली तो बेसिकली हमने सबसे पहले ये हमारे पास ये हो रहा है एक डाई हाइब्रिड क्रॉस बेसिकली मोनो हाइब्रिड क्रॉस में और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या फ़र्क होता है वो उनके नाम में मौजूद है मोनो हाइब्रिड मतलब कि सिर्फ़ एक करेक्टर की जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे बेसिकली जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट है तो उनमें एक ही करैक्टर का फ़र्क है कि प्लांट टॉल और दूसरा प्लांट शॉर्ट है तो हमने एक ही करैक्टर को जहन में रखते हुए क्रॉस करवाया तो उसके नतीजे में जो हैट्रोजैगस प्लांट बना जिसमें टॉल का लील भी और शॉर्ट का लील भी है तो वो एक मोनोहाइब्रिड बना ठीक है लेकिन जब हम लोग दो करेक्टर्स को आपस में क्रॉस करवाएंगे मतलब कि इस इस केस में जब आप ये डायग्राम देख रहे हो उसमें येलो राउंड सीड है और ग्रीन रिंकली सीड वाला प्लांट है मतलब कि दो करेक्टर हो गए एक तो शेप हो गई राउंड एंड रिंकली और दूसरा करैक्टर कौन सा है येलो एंड ग्रीन विच इज़ सीड कलर तो हमने जब दो करेक्टर्स को आपस में आप क्रॉस करवाओगे तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हो ठीक है तो बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में ये क्रॉसेस बनाना सीखे थे तो उसके उसमें मैंने आपको बताई भी थी एक एग्जांपल। तो उस एग्जांपल को हम जैसे कहते हैं ना कि एक और वे में आज दोबारा पढ़ेंगे तो बेसिकली जो पेरेंट जेनरेशन है उसमें हम लोग ट्रू ब्रीड्स लेंगे एक प्लांट लेंगे जिसके सीड्स येलो राउंड हैं और एक और प्लांट लेंगे जिसके सीड्स ग्रीन और रिंकली हैं उनको जब हम आपने आपस में क्रॉस करवाया तो बेसिकली जो डोमिनेंट करेक्टर है वो राउंड और येलो है और जो रिसेसिव करेक्टर्स हैं वो हैं ग्रीन एंड रिंकली तो बेसिकली जब हमने इनको क्रॉस करवाया आपस में तो जो एफ़ वन जनरेशन बनी है वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की बननी है जो पनट स्क्वायर से बनाते हैं मैंने समरी नोट्स में पनट स्क्वायर के जरिए भी ये बात समझाई है तो परेशान मत होइएगा इसमें बिल्कुल भी वो हम लोग पनट स्क्वायर के थ्रू भी देखेंगे लेकिन ये आपको वैसे ही याद होना चाहिए कि ऊपर से अगर आप देखें कि जब ये पी ये जो हमारे पास पेरेंट जनरेशन को जब हम क्रॉस करवाएंगे तो उसको नतीजे में जो एफ़ वन जनरेसन बनेगी वो हैट्रोजाइगस होगी लेकिन उसमें जो डोमिनेटिंग करेक्टर्स हैं उसी का फिनोटाइप आएगा मतलब कि जो हमारे पास बनेगा एफ़ वन जनरेशन वो भी राउंड और येलो ही होगा एफ़ वन जनरेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है उसने कि किस तरह हमारे पास आ, हो रही होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो ये डायग्राम अगर ऐसे देखोगे ना तो बड़ी अजीब लगेगी लेकिन जब मैंने समरी नोट्स में कलर्ड मार्कर्स के कलर्ड पॉइंटर्स के साथ बना के दिखाया तब वहाँ पे भी, भी बेहतर समझ लगेगी लेकिन हम यहाँ भी इसको रिवाइज़ करेंगे ताकि आपके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज ज़रूर बने तो सबसे पहले क्रोमोज़ोम अरेंजमेंट नंबर वन जो आपको सबसे ऊपर वाला बॉक्स नज़र आ रहा है उसमें आप देखें कि हमारे पास ये एफ़ वन जनरेशन का पड़ा हुआ है हमारे पास सेल जिसमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के क्रोमोसोम्स मौजूद हैं जो सबसे पहला जो सर्कल है जो सबसे ऊपर वाले बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है तो आप देखते हैं कि एक क्रोमोसोम जो ब्लू कलर का क्रोमोसोम है उसके ऊपर कैपिटल आर मतलब राउंड की जीन है ठीक है दूसरा जो ब्लू क्रोमोज़ोम है उसके ऊपर किसकी जीन है उसके पास जो सॉरी जो दूसरा उसके साथ ही जो होमोलोगस क्रोमोजोम पड़ा हुआ है रेड कलर का उसके ऊपर स्मॉल आर की जीन है मतलब रिंकल वाली जीन है उससे नीचे वाले जो क्रोमोजोम्स आप देख रहे हैं उनमें जो ब्लू कलर का क्रोमोज़ोम है उस पर कैपिटल वाई या फिर येलो कलर की जीन है और जो उसके साथ ही रेड कलर का क्रोमोज़ोम पड़ा हुआ, हुआ है उस पर स्मॉल वाई यानी कि ग्रीन जिसे कहते हैं कलर की जीन पड़ी है ठीक है तो बेसिकली जो सबसे पहला जो सर्कल ऊपर वाले बॉक्स में दिखाया गया आपको वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रोमोसोम्स दिखाया गया है उसके बाद मेटाफेज़ होगा मेटाफेज़ आपको पता है कि इसमें क्रोमोज़ोम नंबर हाफ होगा तो इसमें आप जब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स काउंट करें तो वो कितने हैं वन टू थ्री एंड फोर तो जब ये बीच में से डिवाइड होंगे तो दो हमारे पास डॉटर सेल्स बन रहे हैं ठीक है जिसमें से क्या हो रहा है कि हमारे पास बेसिकली जो सबसे ऊपर वाला जो सेल है वो बीच में से डिवाइड होगा तो एक साइड के ऊपर सारे ब्लू क्रोमोसोम्स चले गए हैं एक सेल में और दूसरे जो डॉटर सेल में उसमें सारे रेड क्रोमोसोम्स चले गए हैं तो आप देखें कि ऊपर वाला जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर भी कैपिटल आर की जीन्स हैं और जो नीचे जो क्रोमोजोम है ब्रूकर का उसके ऊपर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई की जीन्स हैं विद इन द सेम क्रोमोज़ोम ऑबियसली अलील्स भी तो प्रेजेंट होते हैं ना होमोलोगोस क्रोमोजोम्स पर सिमिलरली जो दूसरा डॉटर सेल है उसके ऊपर वाला जो क्रोमोजोम है रेड कलर का उसमें स्मॉल आर की जीन है जो कि रिंकल ट्रेड शो करती है और जो नीचे क्रोमोज़ोम है स्मॉल वाई उस पर जो जीन पड़ी हुई है वो शो करती है ग्रीन कलर को उसके बाद फिर मेटाफेज टू होता है और, और इन डॉटर सेल्स में से फिर क्रोमोज़ोम नंबर हाफ होगा तो बेसिकली जब ये जो हमारे पास बीच में से जो सेकेंड नंबर पर जो डॉटर सेल्स पड़े हैं ये बीच में से जब कटेंगे तो गैमीट्स बन रहे हैं जो छोटे छोटे बन रहे हैं ना सर्कल्स वन टू थ्री एंड फोर ये गैमीट्स बन रहे हैं तो गैमीट्स में कौन कौन सा ट्रेट आया है पहले गैमीट में कैपिटल आर ऊपर वाले क्रोमोसोम में और कैपिटल वाई नीचे वाले क्रोमोसोम में सिमिलरली दूसरे वाले डॉटर सेल में भी कैपिटल आर ऊपर वाले क्रोमोजोम में और नीचे वाले क्रोमोजोम में कैपिटल वाई उसके बाद जो तो हमारे पास दूसरा डॉटर सेल था जब उसकी स्प्लिटिंग हुई और गैमीट्स बने तो स्मॉल आर ऊपर वाला क्रोमोजोम स्मॉल वाई नीचे वाला क्रोमोज़ोम जो फिर आखिरी गैमेट है उसमें भी स्मॉल आर ऊपर वाला क्रोमोसोम का जीन आया है और नीचे स्मॉल वाई का जीन आया है ठीक है तो हमारे पास सिर्फ फोर कॉम फोर हमारे पास गैमेट्स बने हैं लेकिन आप देख रहे हैं इसमें एक बात नोट करें कि हमारे पास दो करेक्टर इंटैक्ट हैं मतलब कि कैपिटल आर और स्मॉल कैपिटल आर और कैपिटल वाई शोज़ दलील्स विच आर प्रेजेंट इन दैमिट आर ऑफ राउंड एंड येलो कलर और जो दूसरे डॉटर सेल्स के जो गैमीट्स बने हैं वो स्मॉल आर और स्मॉल वाई के बने हैं मतलब कि जो अलील्स मौजूद हैं विद इन द गैमीट वो रिंकली और ग्रीन अलील्स आए हैं तो मतलब ये कि दो करेक्टर्स को आपस में एसोसिएट कर दिया गया कि राउंड होगा तो येलो होगा ठीक हो गया और ग्रीन होगा तो रिंकल्ड होगा तो फिर उसने क्रोमोजोम अरेंजमेंट नंबर टू नीचे वाले बॉक्स में एक बात बड़ी ज़बरदस्त समझा दी उसने ये समझाई कि जरूरी नहीं है कि क्रोमोसोम्स इसी रेंजमेंट में पड़े हों जो ऊपर वाले बॉक्स में पड़े हैं नीचे वाले बॉक्स में अगर आप देखें तो कैपिटल आर के साथ जो क्रोमोसोम हमारे पास उसके साथ पड़ा है वही कॉम्बिनेशन uh, है कि कैपिटल आर जो उन है वो स्मॉल आर के होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में इकट्ठे पड़े हैं ठीक है ऑन द सेम लोकाय अब आप नीचे देखें तो नीचे क्या हो रहा है कि जो स्मॉल वाई है वो पहले आ गया लेफ़्ट साइड पे और कैपिटल वाई बाद में आया है मतलब कि यह कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है ना ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाला कॉम्बिनेशन और नीचे वाले कॉम्बिनेशन में भी क्रोमोसोम्स पड़े हो सकते हैं और फिर जब मेटाफेज़ वन होगा उसके नतीजे में जब दो डॉटर सेल्स बनेंगे उन डॉटर सेल्स में आप देखें कि नीचे वाले डब्बे में सेकेंड नंबर पर जो डॉटर सेल्स मौजूद हैं उनके अंदर कौन सी कॉम्बिनेशनस आ रही हैं कैपिटल आर कैपिटल आर ऊपर वाले ब्लू क्रोमोज़ोम में और नीचे वाले रेड क्रोमोजोम में स्मॉल वाई स्मॉल वाई सिमिलरली दूसरा जो डॉटर सेल है नीचे वाले बॉक्स में उसमें स्मॉल आर का क्रोमोज़ोम आ रहा है और कैपिटल वाई का क्रोमोज़ोम आ रहा है फिर जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई का गैमेट बना है जिसमें ये वाली अलील्स हैं तो मतलब कि राउंड ग्रीन कॉम्बिनेशन की अलील्स मौजूद हैं इस गैमेट के अंदर और दूसरे वाले जो डॉटर सेल्स बने हैं उसके नतीजे में स्मॉल आर और कैपिटल वाई के गैमिट्स बने हैं मतलब कि रिंकल्ड एंड येलो वाले जो जो अलील्स हैं वो गैमिट्स में आए हैं तो ये कह रहा है कि हम दो करेक्टर्स को एज अ इंटैक्ट यूनिट नहीं इनहेरिट करते मतलब ये कि सीड अगर राउंड होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो येलो भी हो वो येलो भी हो सकता है वो ग्रीन भी हो सकता है तो पहले ये सोचा जाता था हाइपोथेसिस वन जब हम अभी डिस्कस करेंगे कि जो करैक्टर होते हैं वो एज अ सिंगल यूनिट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं मतलब दो करेक्टर कि राउंड येलो जो हो करेक्टर्स हैं इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं मैंडल ने ये बात में कहा कि नहीं इंडिपेंडेंट असॉटमेंट होती है जिसके नतीजे में राउंड जो करैक्टर है वो ग्रीन सीड कलर में भी आ सकता है एंड सिमिलरली रिंकल जो हमारे पास करैक्टर है वो येलो सीड कलर के साथ भी आ सकता है डाईहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट दैट डिफर इन टू ऑब्जर्व ट्रेड्स मतलब कि दो डिफरेंट ट्रेड्स के दरमियान में जो क्रॉस होगा मतलब कि सीड कलर और सीड शेप के बेस पे जब हम क्रॉसेस करते हैं मतलब दो करेक्टर्स या दो ट्रेड्स के लेके हम दो लाइंस को क्रॉस करवाते हैं मतलब के ये वाला कि राउंड येलो दो करेक्टर्स हो गए ग्रीन रिंकल्ड ये भी दो करेक्टर्स हो गए मतलब कि दो करेक्टर्स की बेसिस पे हमने दो लाइंस को आपस में जो क्रॉस करवाया इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं इन द मेडेलियन मेडिलियन सेंस बिटवीन द लील्स ऑफ बोथ दीज लोक आए दे रिलेशनशिप ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेस ऑबियसली जो हमारे पास यहाँ पे जो येलो कलर है वो ग्रीन कलर पे डोमिनेंट है जो राउंड शेप है वो ग्रीन सॉरी uh, जो राउंड शेप है वो रिंकल शेप पे डोमिनेंट है जिसके नतीजे में एफ वन जनरेशन भी कम्प्लीटली राउंड और येलो पैदा होती है और फिर जब हम एफ वन की करवाते हैं बेसिकली क्या सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो कि इस तरह हमारे पास हो रही है देखिए कि जो सेल हमारे पास मौजूद है ना इन दोनों बॉक्सेस में सबसे ऊपर जो सेल मौजूद है उसके क्या है जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाइज नीचे वाले बॉक्स के भी सबसे ऊपर वाले सेल में क्या क्रोमोसोम्स के अंदर है हमारे पास जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई तो बेसिकली जो ये एफ वन जनरेशन दिखाई गई है उसके गैमिट्स किस तरह बनते हैं वो या इस डायग्राम में बताया गया है ठीक है विद दिस हाइब्रिड क्रॉसेज मैंडल वॉज इंटरेस्टेड इन डिटर्मिनंग वेदर अलील्स एट टू डिफरेंट लोक काग्रिगेटेड डिपेंडेंटली और इनडिपेंडेंटली तो मैंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में ये शो करवाया कि अलील्स जो कि दो डिफरेंट लोकाए पर मौजूद हैं क्या वो सेग्रीगेट डिपेंडेंटली करते हैं या इंडिपेंडेंटली करते हैं मतलब कि अलील जो कि दो डिफरेंट लोकाए पर मौजूद होंगे वो दो डिफरेंट ट्रेड्स को आ, शो करते हैं मतलब कि जो हाइट का जो ट्रेट होता है वो क्रोमोज़ोम में कहीं आ, के एक ही पोजिशन में होगा और जो हाइट uh, का इस तरह आए कलर का भी जो uh, अलील होता है वो क्रोमोसोम में किसी और जगह पे होगा लेकिन अगर आप ये कह दो कि एक बंदा है वो, वी वी कंसिडर द नोशन और द फैक्ट दैट इफ़ समवन इज टॉल दे विल हैव ब्लू आइज जैसे कि प्लान्टी कंसिडर में भी हमने किया कि जो प्लांट्स के सीड्स येलो होंगे उनके ही कलर ही भी राउंड uh, मतलब कि वो राउंड होंगे ठीक है राउंड सीड वाले प्लांट्स का कलर सीड का येलो होगा सिमिलरली मैंने आपको इंसानी मिसाल भी दी कि अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसकी आई का कलर भी ब्लू होगा तो मैंडल ने डाई हाइब्रिड प्रोसेस से ये बताया कि दो डिफरेंट जो जीन्स हैं जस्ट लाइक इन द केस ऑफ प्लांट प्लान्टच इज़ द सीड शेप एंड द सीड कलर और जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमेंस में हाइट या आई कलर क्या वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं या डिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे मतलब इकट्ठे सेग्रीगेट होंगे या अलग-अलग सेग्रीगेट होंगे मेंडल नहीं डाई डायहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू बताई ये बात हाइपोथेसिस वन उसने बताया कि कंप्लीट लिंकेज के सीड कलर और सीड शेप आपस में प्री होंगे मतलब कि जो राउंड सीड्स होंगे उनका कलर येलो ही होगा ये पहला है था कि जो पहले से समझा जाता था कि राउंड कलर वाले जो सॉरी राउंडेड जो सीड्स होंगे उनका कलर भी येलो होगा और जो ग्रीन सीड्स होंगे वो रिंकल्ड होंगे तो उसने क्या है जीन्स स्पेसिफाइंग टू करेक्टर्स जीन सीड कलर एंड सीड शेप माइट ऑलवेज बी इनहेरिटेड एज अ पैकेज मतलब कि राउंडेड सीड्स हैव येलो कलर एंड रिंकल सीड है्रीन कलर तो इसको एक फैक्ट समझ लिया गया कि जो राउंड होंगे वो येलो होंगे और जो रिंकल्ड होंगे वो ग्रीन होंगे तो पहला है पोथिस इसका कि कम्प्लीट लिंकेज जिसके नतीजे में ये डाई हाइब्रिड क्रॉस बनता है कि आपके पास एक राउंड येलो सीड वाला प्लांट है और एक रिंकल्ड ग्रीन प्लांट है आपके पास इसका जब हमने क्रॉस करवाया तो एफ़ वन जनरेशन बनी जो कि कंप्लीटली राउंड और येलो थी बिकॉज The round trait is dominant over the wrinkled trait and the yellow trait is completely dominant over the green seed color trait. to hamare paas jo yellow seed hai true breed mein वो capital R capital R capital Y capital Y उसका genotype ये होता है और जो wrinkled green seed वाला plant है उसका small, small R small R small Y small Y ये उसका genotype है और शनिजी में जो F1 generation बनेगी वो बनेगी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई ठीक हो गया अब इसकी हमने करवा दी सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसमें वाई पहले लिखा है आर बाद में लिखा है आप चाहे आर पहले लिखें या वाई पहले लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता ठीक है बस आपने अरेंजमेंट का इस तरह जेन में रखना है गैमीट्स में कैसे बनती हैं तो अब जब एफ वन जनरेशन हमारे पास बनी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का जीनो बना हमारा एफ़ वन जनरेशन का तो इसकी अब हमने करवानी है सेल्फ़ फ़र्टिलाइजेशन सेल्फ़ फ़र्टिलाइजेशन के नतीजे में हमें सबसे पहले लॉ सेग्रीगेशन करना पड़ेगा और गैमीट्स बनाने पड़ेंगे और एक गैमीट में एक एक ही ट्रेट आएगा एक आएगा सीड शेप का और एक आएगा सीड कलर का ठीक हो गया तो जब हमने इनके गैमीट्स बनाए तो गैमीट्स क्या बने जो सर्कल्स में मौजूद हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर ऊपर लिख दिया एक जो हमारे पास एफ़ वन का जनरेशन था और जिससे फर्टिलाइज करवाया वो भी ऑब्वियसली एफ़ वन जनरेशन का ही प्लांट होगा तो उसके भी ग्रामीट्स कौन से लिखे पन्नट स्क्वेयर के जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर तो आप देखिए एक कॉम्बिनेशन उन्हें बताया है कि मतलब कि कैपिटल वाई और कैपिटल वाई होगा तो उसके साथ कैपिटल आर होगा ठीक है कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर नहीं होगा क्योंकि बाय हाइपोथेसिस वन उन्होंने ये बात बताई है कि जो राउंडेड होंगे वही येलो होंगे और जो रिंकल्ड होंगे वो ग्रीन होंगे तो गैमिट्स भी फिर ऐसे ही बनेंगे अगर हम हाइपोथेसिस वन को जेन में रखें तो जो गैमिट्स बने हैं वो भी ऐसे ही बने हैं कि कैपिटल वाई का अलील आया मतलब कि येलो कलर का अलील आया और उसके साथ कैपिटल आर का अलील आया विच इज़ द राउंडेड और उसके साथ जो गैमेट पड़ा है स्मॉल वाई और स्मॉल आर का वो ये शो करता है कि स्मॉल वाई का अली आया विच इज़ द ग्रीन कलर एंड स्मॉल आर का हमारे पास अली आया विच इज़ द रिंकल ट्रीट तो मतलब गैमेट्स भी वैसे ही बने जो कि कंप्लीट लिंकेज को शो कर रहे हैं तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई के गैमेट्स बने हैं कैप स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई के गैम्स बने हैं ठीक है थीके? जिसके नतीजे में हमारे पास जो एफ टू जनरेशन बनी हमने पन्नट स्क्वायर में जब उनकी क्रॉसेस करवाए तो तीन राउंडेड येलो हमारे पास बने हैं ऑफ स्प्रिंग्स और एक रिंकल्ड ग्रीन बना है ठीक है ये हमने पिछले लेक्चर में भी इसी तरह बनाया था तो आप देख रहे हैं ये कि किस तरह हुआ है सारा कुछ और इसमें मेन पॉइंट ये जो ये जहन में रखनी कि है पोथिस वन में उसने बताया कि जो राउंड होगा वो येलो होगा और जो ग्रीन होगा वो रिंकल्ड होगा और इनके गैमेट्स भी फिर ऐसे ऐसे ही बनेंगे कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई के गैमेट बनेगा स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई का गैमेट बनेगा कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई नहीं बनेगा और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई का गैमेट नहीं बनेगा यह हाइपोथेसिस वन में उसने बात बताई हाइपोथेसिस टू में इसको कम्पलीटली नेगेट कर दिया गया हाइपोथेसिस वन को और हाइपोथेसिस टू में कहा गया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है कि सीड कलर एंड सीड शेप जीन्स माइट बी इनहेरिटेड कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर दैट अ सीड कैन बी येलो एंड रिंकल्ड एंड अ सीड कैन बी राउंड एंड ग्रीन इनका आपस में कोई तल्लुक नहीं है कि राउंड होगा तो येलो होगा रिंकल्ड होगा तो ग्रीन होगा ये वाई ये ऑपोजिट भी हो सकते हैं तो उसने कहा कि येलो एंड राउंड अलील्स वुड नॉट स्टिक टुगेदर नॉर वुड द ग्रीन एंड रिंकल्ड वंस तो हाइपोथिस वन में जो उसने ये नोशन या ये फैक्ट शेयर किया कि राउंड और येलो ट्रेट इकट्ठे इनहेरिट हो रहा है जिसके नतीजे में जो ऑफ भी बने हैं वो राउंड येलो और ग्रीन रिंकल्ड बन रहे हैं हेपोथिसिस टू में उसने बात की कि राउंड ट्रेट अलहदा से हमारे पास इनहेरिट होगा येलो ट्रेट अलहदा से होता है ग्रीन ट्रेट अलहदा से होगा और रिंकल ट्रेट अलहदा से होगा ये आपस में स्टिक नहीं करते ठीक हो गया तो उसने मैं आपको अभी बात बता दूँ कि उसने ये कहा कि इस नतीजे में जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे एक ट्रू ब्रीड ग्राउंड येलो और ट्रू ब्रीड ग्रीन रिंकल के नतीजे में जो हमारे पास बनेंगे ऑफ स्प्रिंग्स वो राउंड और ग्रीन भी हो सकते हैं और रिंकल्ड और येलो भी हो सकते हैं जो कि ये बताया उसने तो अब ये वही दोबारा से हमारे पास बेसिकली एफ़ वन तक ये एग्जैक्टली exactly सेम है ठीक है एफ़ वन तक ये एग्जैक्टली exactly सेम है फ़र्क आ रहा है एफ़ टू में जब गैमिट्स की अरेंजमेंट कैसे बनती है तो हमारे पास पेरेंट जनरेशन वही है टू ब्रीड्स की जो हमने ली है दैट इज़ राउंड येलो और ये ट्रू ब्रीड्स हैं मतलब ये होमोजाइगस हैं मतलब दोनों लील्स के ऊपर डोमिनेंट ट्रेट मौजूद है और क्रॉस करवा रहे हैं उसको ट्रू ब्रीड ग्रीन रिंकल्ड के साथ जिसके नतीजे में जो एफ़ वन जनरेशन बन रही है वो राउंड और येलो बन रही है बिकॉज जो राउंड कैरेक्टर होता है वो रिंकल्ड पर डोमिनेंट होता है और जो येलो कैरेक्टर होता है वो ग्रीन पर डोमिनेंट होगा तो एफ़ वन के जितने भी ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वो वो प्लांट्स होंगे जिनके सीड येलो होंगे और राउंड होगे लेकिन ये हैट्रोजाइगस हैं ये डाई हाइब्रिड हैं इनके अलील्स के ऊपर जो होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे अलील पेयर के ऊपर स्मॉल आर और स्मॉल वाई भी मौजूद है दैट इज़ वाई इसका जो जीनो है एफ़ वन जनरेशन का वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई बनता है अब F2 टू जनरेशन में जब वो ये कहता है कि हमने जब अब कॉम्बिनेशनस बनाने हैं गैमिट्स के वो सिर्फ़ आर वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई या स्मॉल आर स्मॉल वाई के नहीं बनेंगे जैसे कि एफ़ टू जनरेशन में अगर आप ऊपर जो गैमीट्स बने हुए हैं पन्नट स्क्वेयर के ऊपर अबव जो गैमीट्स बने हैं उसके अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो उसमें कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन है और एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन है ठीक है लेकिन दो और कॉम्बिनेशनस भी हैं कि स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई है और कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई है तो उसने बताया कि गैमेट्स इस तरह भी बन सकते हैं कि एक तो इंडिपें जो हमारे पास हाइपोथेसिस वन में उसने ये बताया एफ टू जनरेशन जब बन रही है पन्नट स्क्वायर में तो गैमेट्स किस तरह बन रहे हैं कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई का ही अलील आएगा जीन इनहेरिट होगा और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई का ही जीन इनहेरिट हो गया हाइपोथेसिस टू में उसने बताया कि इन एडिशन टू दिस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई इन एडिशन टू दैट ये जीन्स भी बन सकते हैं जिसमें स्मॉल आर और कैपिटल वाई हो मतलब कि रिंकल्ड जीन के साथ येलो जीन इन गैमेट बन रहा हो सिमिलरली कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई मतलब राउंड जीन के साथ ग्रीन कलर के लील्स वाला जीन बन रहा हो दैट इज़ वाई फोर कॉम्बिनेशन बनते हैं जो एफ टू जनरेशन में पनट स्क्वेयर के ऊपर देखें जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई और इसके अलावा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई सिमिलरली जो पन्नट स्क्वेयर के लेफ्ट साइड पे भी जो गैमिट्स बनाए वो भी exactly सेम थे जो टप टॉप पे हैं बिकॉज सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है तो उसके नतीजे पे जो हमने पूरा पनट स्क्वेयेर बनाया जो कि मैंने सम्भी नोट्स में खुद मैंने अपने हाथों से बना के ताकि आप लोगों को बेहतर सबरी नोट्स में समय उसमें मैंने बता दिया तो अब ये देखिए कि एफ़ टू जो जनरेशन के ऑफ बन रहे हैं वो किस फिनोटिपिक क्लास के बन रहे हैं प्रोडिक्शन में देखें फ़ोर फिनोटिपिक क्लासेज या फोर अपेयरेंसेज़स के प्लांट्स बन रहे हैं नाइन प्लांट्स वो बन रहे हैं जो कि जिनके सीड्स येलो हैं और राउंड हैं तीन प्लांट्स ऐसे बन रहे हैं जिनके सीड्स रिंकल्ड हैं और येलो हैं तीन प्लांट्स ऐसे बन रहे हैं जिनके सीड्स रिंकल्ड हैं और ग्रीन है और एक प्लांट ऐसा बन रहा है जो कि रिंकल्ड है और ग्रीन है और सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया पहले वाले में था कि आ, तीन प्लांट्स ऐसे बन रहे हैं जो कि राउंड हैं और ग्रीन हैं तो आप देख रहे हैं नाइन प्लांट्स हैव येलो कलर एंड राउंडेड शेप थ्री प्लांट्स हैव येलो कलर एंड रिंकल्ड शेप थ्री प्लांट्स हैव ग्रीन कलर एंड राउंड शेप एंड वन प्लांट हैज़ सीड्स व्हिच आर रिंकल्ड एंड ग्रीन तो ये उसने बताया कि दो करेक्टर इकट्ठे जैसे कहते हैं इनहेरिट नहीं होते वो इंडिपेंडेंट असॉटमेंट के थ्रू इनहेरट होते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉसेज आर मेड वेन फिनोटाइप्स एंड जीनो टाइप्स कम्पोज ऑफ टू इंडिपेंडेंट अलील्स आर एनाल वही बात के डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग वो फिनोटाइप्स और जीनोटाइप को एनालाइज करते हैं जिनमें दो मुख्तलिफ जीन्स या अलील्स रही होती हैं प्रोसेस बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही होता है जैसे कि हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक करेक्टर को जेन में रखते हैं कि टॉल और शॉर्ट प्लांट को तो उसी तरह डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बनता है पनट स्क्वायर के थ्रू एग्जाम्पल डाई हाइब्रिड क्रॉस की है कि दो ट्रेड्स को हम एनालाइज करें आप प्लांट हाइट विद प्लांट हाइट बीइंग टॉल डोमिनेंट टू शॉर्ट को आप कर सकते हैं और फ्लावर कलर को आप कर सकते हैं विद पर्पल फ्लावर्स बीइंग डोमिनेंट टू वाइट ये आपका होमवर्क टास्क है जो आपने करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं आपसे तकरीबन तो नेक्स्ट वीक में हर स्टूडेंट से मैं कहूँगी कि मुझे प्रेजेंट कर दे कि आपने प्लांट हाइट और फ्लावर कलर विद प्लांट हाइट में टॉल जो ट्रेट है उसको आपने डोमिनेटिंग रखना है शॉर्ट ट्रेट को रिसेसिव रखना है और फ्लावर कलर में जो पर्पल कलर है उसको आपने डोमिनेटिंग रखना है और वाइट कलर को रिसेसिव रखना है और इस तरह आप डाई हाइब्रिड क्रॉस खुद भी बना के देखें ठीक है उसका बनाने का तरीका क्या है ये तरीका है कि आप वाई जो और आर है इनकी जगह आप एक में कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दें और एक में कैपिटल डब्ली और स्मॉल डब्ली लिख दें और फिर ये सारा कॉम्बिनेशन बना दें बेसिकली जो कैपिटल डब्ल्यू है वो पर्पल कलर को शो करेगा ये थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी और स्मॉल जो डब्ल्यू है वो वाइट कलर को शो करेगा तो आइडियली तो कैपिटल पी और स्मॉल पी भी होना चाहिए जो आपको रिप्रेजेंट करो जीन्स को लेकिन आप कैपिटल पी और स्मॉल पी भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ईज़ के लिए एक्सेप्शन टू द इंडिपेंडेंट असार्टमेंट अब इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की कुछ एक्सेप्शन भी हैं मेंडल्स पीज जीन्स डिस्प्लेड इंडिपेंडेंट असार्टमेंट मेंडल के जो पी प्लांट्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंट असार्टमेंट शो की बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑल ऑन सेपरेट क्रोमोजोम फॉर एक्जाम्पल द सीड कलर एंड सीड शेप आर ऑन क्रोमोजोम वन एंड क्रोमोज़ोम्स नंबर सेवन ऑफ द पी पीजिनोम मतलब कि जो पीज में जितने भी क्रोमोजोम्स हों जैसे ह्यूमंस में टोटल क्रोमोजोम्स कितने होते हैं फोर्टी सिक्स फॉर एग्ज़ाम्पल पी जो प्लांट है उसमें सेवन क्रोमोजोम्स होंगे तो उसका जो क्रोमोजोम नंबर वन है उस पर कौन सा जीन इनहेरिट हो रहा होता है सीड कलर का और क्रोमोजोम नंबर सेवन पे आ रहा होता है सीड शेप का तो बेसिकली जब क्रोमोजोम इंडिविजुअल पे जीन्स ही लदा लहदा पड़ी है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के चांसेस बढ़ जाता है बिकॉज विद इन द सेम क्रोजोम दो करेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहे अलग अलग क्रोमोजोम एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब कि जो हमने ये बताया है ये आप देख रहे हो कि क्रोमोजोम्स के ऊपर जो ऊपर वाले हैं उन उनपे कैपिटल आर विच इज द सीड शेप और जो दूसरे क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द सेम शेप एंड द सेम हाइट एंड द सेम थिकनेस जो एक सेल के जो मेन सेल है हमारे पास उसके जो नीचे मौजूद हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई के एग्जैक्टली सेम इन हाइट एंड कलर हैं दैट इज़ वाई दे आर होमोलोग सेम इन हाइट सॉरी सेम इन हाइट एंड थिकनेस हैं तो दे आर होमोलोगोस क्रोमोसोम्स तो बेसिकली हो सकता है कि ऊपर वाला जो क्रोमोसोम पेयर हमारे पास मौजूद है कैपिटल लार स्मॉल आर का ये क्रोमोसोम नंबर वन हो जो कि सीड शेप को शो कर रहा है और जो नीचे वाले क्रोमोसोम मौजूद हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये सीड कलर को शो कर करें क्रोमोसोम नंबर सेवन हो तो दैट दट वजह अलहदा क्रोमोजोम पे अलहदा अलहदा जीन्स मौजूद होती हैं तो उनकी इंडिपेंडेंट एंडसार्टमेंट होनी आसान होती है जीन्स आर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स और फार अ पार्ट ऑन द सेम क्रोमोजोम द लील्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स कैन बी इनहेरिटेड एज अ यूनिट अब उसने ये एक्सेप्शन बताई कि अगर एक ही क्रोमोजोम से दो जीन्स मौजूद हैं तो हो सकते हैं वो इकट्ठी हमारे पास हो रही हो इनहरिट फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आई कलर और हेयर कलर का जो हमारे पास जीन है जैसे कि मैं आपको ये मसला बात कह रही हूँ दिस इज़ नॉट अ फैक्ट दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल दट फॉर एग्ज़ाम्पल द जीन्स फॉर द आई कलर एंड द हेयर कलर दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम एंड क्लोजली टुगेदर सो दे विल भी इनहेरिटेड एज अ यूनिट तो वो एज अ यूनिट इन्हेरिट होंगे बिकॉज क्रोमोजोम पे वो आपस में एक ही क्रोमोसोम्स फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर वन पे ही मौजूद हैं तो इवन अफ आप क्रोमोसोम को अलहदा भी कर दो तो गैमिट में एक क्रोमोसोम का पार्ट तो जरूर आएगा और उस क्रोमोसोम के ऊपर ही दो जगहों पे एक जीन आई कलर का और एक जीन हाई हाइट कलर का है सॉरी आई कलर का और हेयर कलर का है तो डेट इज़ वाई अगर एक ही क्रोमोजोम पर दो जीन्स पड़ी हो तो एज अ यूनिट भी इनहेरिट हो सकती है ये एक्सेप्शन थी मेडल मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉटमेंट के लॉ की

तो फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर जो एक की सिंगल लोकस ऑफ द क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स या अलील्स मौजूद हैं बेसिकली अलील्स क्या होती हैं दीज आर द जीन पेयर प्रेज ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स बेसिकली लोकेशन शो करता है और इट् वो जीन होती है तो मतलब वो ये कह रहा है कि एक जीन जो कि होमोलोगस क्रोमोजोम्स के ऊपर मौजूद है वो एक से ज़्यादा आपके करेक्टर्स के ऊपर अफेक्ट दे सकते हैं बात को आप क्लियोट्रोपी कहते हैं और इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है द म्यूटेंट अलील एट द बीटा ग्लोबिन लोकस दैट गिव्स टू सिकल सेल एनीमिया तो हमारे क्रोमोजोम्स के ऊपर एक ऐसा जीन होता है जो कि आपका बीटा ग्लोबिन चेन बना रहा होता है हीमोग्लोबिन का आपको पता है हीमोग्लोबिन के अंदर दो अल्फा चेन्स होती हैं और दो बीटा चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है एंड यू नो दैट हीमोग्लोबिन फॉर्म्स द रेड ब्लड सेल्स तो बेसिकली जब जिन लोगों के अंदर सिकल सेल अनिमिया होता है दिस इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर उनका जो बीटा ग्लोबिन चेन जो बनाता है जीन क्रोमोसोम पे तो जैसे हमने बताया कि एक बीटा ग्लोबिन की चेन्स हो भी होती हैं हीमोग्लोबिन में तो जो जीन जो बीटा ग्लोबिन की चेन्स बना रहा हो उसमें कोई म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से बजाय बीटा चेन बनने के कोई और किस्म की चेन्स बननी शुरू हो जाती हैं सो so, दो अलील्स होती हैं एच बी ए विच इनकोड्स द नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन तो बेसिकलीम एक हीमोग्लोबिन के एक जो आ, अलील के ऊपर पड़ा होगा एच पी ए का जीन और एक अलील दूसरे केस में हो सकता है कि एच बी एस का जीन पड़ा हो जो कि डिफेक्टिव चेन को आ, करवाता है इनहेरिट सो एच बी एस होमोजाइगोड्स मतलब कि अगर एक बच्चा पैदा हुआ है जिसके दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उन दोनों के ऊपर एच और दूसरे पे भी एच का जीन हो तो वो क्या होगा वो सिकल सेल एनीमिया उसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली फिनोटिपिकली शो होगी लेकिन अगर एक बच्चा हेट्रोजैगस पैदा हुआ उसके एक क्रोमोसोम के ऊपर एच है नॉर्मल अलील और दूसरे क्रोमोसोम पे उसने एच बी एस इन्हेरिट किया फॉर एग्जांपल मदर से या फादर से फॉर एग्जांपल मदर से उसको सिकल सेल का ट्रेट आ रहा है और फादर से उसको नॉर्मल ट्रेट आ रहा है तो वो एक हैट्रोजाइगस बच्चा है, पैदा होगा जिसके पास एच बी ए का जीन होगा एक अलील के ऊपर और दूसरे अलील के ऊपर उसके पास कौन सा जीन होगा एच बी एस का लेकिन अगर होमोजाइगोट पैदा हो गया जिसमें दोनों अलील के ऊपर एच पी एस और दूसरे पे भी एच पी एस है तो उसके नतीजे में द सफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल चूँकि जीन तो एक ही इफेक्ट हो रही है जिसने हीमोग्लोबिन की बीटा चेन को करवाना है कोड तो जिसके नतीजे में बीटा ग्लोबिन चेन डिफेक्टिव म्यूटेंट uh, uh, बनना शुरू हो जाती है तो आपको पता है कि सिकल सेल एनीमिया जस्ट डजेंट कॉज अनिमिया बिकॉज अनिमिया क्या है खून की कमी होती है हमारे पास एक सर्टेन लेवल से हमारे पास हीमोग्लोबिन कम होता है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होना अनीमिया कहलाता है तो सिकल सेल अनीमिया का वो कहता है कि सिकल सेल या फिर ये जो एच पी एस जो जीन एस की वजह से सिर्फ सिकल सेल अनीमिया नहीं हो रहा होता मतलब कि आपकी बॉडी में सिर्फ अनीमिया नहीं हो रहा था बिकॉज अगर ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन तो हीमो का लेवल कम होगा और हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो आपने में होगा ठीक हो गया तो एक तो अनीमिया तो होगा ही होगा उसके अलावा कहता है और डिफरेंट पेशेंट में सिम्टम्स आते हैं जस्ट लाइक like जो इसमें आपको दिखाया गया जो पर्पल कलर के आपको नीचे नज़र आ रहे हैं जिसमें फिजिकल वीकनेस एनीमिया तो ऑब्वियसली हार्ट फेलियर पेन एंड फीवर ब्रेन डैमेज डैमेज टू अदर ऑर्गन स्प्लीन डैमेज इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शन परालिसिस नमोनिया र्यूमटिज़म किडनी फेलियर तो आप देख रहे हो अनीमिया के अलावा कितने सिम्टम्स आ रहे हैं सिकल सेल अनिमिया की वजह से जो कि सिर्फ एक जीन में मसला आया वो जो कि कौन सा जीन था वो जीन जिसने बीटा ग्लोबिन चेन जो होता है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर का उसको उसने आ, करवाना होता है कोड तो अब देखिए कि अल्लाह ताला से शुक्र अदा किया करें कि एक, एक जीन आपके अंदर इतनी ज़रूरी है कि अगर एक में भी म्यूटेशन हो जाए तो क्या आप में असर आ सकता है नाउ विल डिस्कस जेनेटिक्स एंड डिस्प्यूटेड पटर्निटी